साथियों भाई, इवेल्युएशन की लगातार बात कर रहे हैं अपन, मूल्यांकन नाम के टॉपिक की। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, विस्तार पूर्वक से अपन इसको पढ़ रहे हैं। मूल्यांकन में आज कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव एवेल्युएशन, जिसे अपन CCE बोलते हैं, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उसकी बात करेंगे। भाई क्या होता है इसमें कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव एवेल्युएशन, समग्र एवं सतत मूल्यांकन। सतत यानी जो निरंतर चलता रहे वो मूल्यांकन, जो हमेशा चलता रहे, पूरे ईयर चले, साल में, ऐसे नहीं कि भाई 6 महीने में हो, 12 महीने में एक बार एग्जाम, दो बार एग्जाम, नहीं, पूरा एवोल्यूशन चलना चाहिए, पूरे सतत चलना चाहिए, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया उसको सतत बोलते हैं। और समग्र जो सारे भावों को व्यक्ति के, विद्यार्थी के सारे भाव उसमें हों, समग्र, जैसे कि भौतिक रूप से वो, फिजिकल रूप से हो, चाहे मेंटल रूप से हो, इन सभी को, इन सभी का समग्र मूल्यांकन होता है, उसे अपन समग्र मूल्यांकन कहते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन की आज अपन बात करेंगे, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, जिसे CCE बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई, समझने की कोशिश करना। CCE रेफर्स टू ए सिस्टम टू ए सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड भाई समझने वाली बात है, रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स डेट covers all aspects of student personality भाई समझने वाली बात है, CCE होता क्या है इस बारे में बात करते हैं। refers to a system, CCE refers to a system of school-based evaluation of student that covers all aspects of student personality। स्कूल आधारित मूल्यांकन है जो छात्र के सभी व्यक्तित्वों का, सभी पहलुओं को कवर करता है, सभी व्यक्तित्व और पहलुओं को कवर करता है। स्कूल आधारित मूल्यांकन है। CCE refers to a system of school-based, स्कूल आधारित मूल्यांकन है जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थियों के कवर्स, सभी ऑल एस्पेक्ट, सभी पहलुओं को कवर करता है, ऑफ स्टूडेंट पर्सनैलिटी, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के, व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को जो कवर करता है, व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को जो कवर करता है, उसे अपने CCE बोलते हैं। सभी पहलू कैसे, वो मेंटल रूप से भी हो सकते हैं, फिजिकल रूप से। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है, बल्कि वो खेलने में अच्छा है, तो क्या मूल्यांकन में वो है, वह विद्यार्थी मूल्यांकन में सही साबित नहीं होएगा? बिल्कुल होगा भाई, वो CCE में सही साबित होगा, क्योंकि उसका ध्यान किस तरफ है, खेल की तरफ, तो उसको खेल की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको शिक्षा में दिखला जाना चाहिए। भाई कई विद्यार्थी पढ़ने में अच्छे होते हैं, खेलने में अच्छे नहीं होते, कई विद्यार्थी खेलने में अच्छे होते हैं, कई विद्यार्थी चिंतन में अच्छे होते हैं, तो उस प्रकार से ये सतत मूल्यांकन, उनका समग्र मूल्यांकन, उनका सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने को अपने CCE बोलते हैं। refers to a system of school based evaluation of students that covers all aspects of student personality। यहाँ तक आपको समझ में आया भाई, समझने वाली बात। अब बात करते हैं भाई continuous, सतत चलने वाली प्रक्रिया, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया क्या है, continuous और comprehensive क्या है। देखो समझने वाली बात है, continuous भाई continuous की बात करते हैं, इधर अपन comprehensive की बात कर लेते हैं। भाई रेगुलर एंड कंटिन्यूअस, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस समझने वाली बात है, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटीज कंडक्ट थ्रू आउट ऑफ द ईयर, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटीज एक्टिविटीज कंडक्टेड
कंडक्टेड में समझने वाली बात है, रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट ऑफ द ईयर, थ्रू आउट ऑफ द ईयर। कॉम्प्रेहेंसिव की अपन बात करते हैं, मेंटल अपन बात की, जैसे कि मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल। भाई आज तो क्लियर दिख रहा है अपना मार्कर, क्या वो सही नहीं चल रहा था, आज सही चल रहा है, इसीलिए भाई मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स का अर्थ होता है भाई पहलू ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। इसको अपन ऑल राउंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट भी इसको अपन बोल सकते हैं। और भाई सुनने बात की बात है, रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटीज कंडक्टर थ्रू आउट ऑफ द ईयर, यानी पूरे वर्ष नियमित एवं सतत गतिविधियां चलना, मतलब भाई रेगुलर एंड कंटिन्यूस पूरे, मतलब रेगुलर हमेशा, एंड कंटिन्यूस जो सतत एकदम चलती रहे, जो रुके नहीं, वो मूल्यांकन प्रक्रिया एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट ऑफ द ईयर, पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया को अपन कंटिन्यूस कहते हैं। मूल्यांकन की ऐसी प्रक्रिया जो पूरे वर्ष चले, ना कि 6 महीने में हो गई परीक्षा अद्वार्षिक, फिर पूरे साल में हो गई वार्षिक परीक्षाएं, तो इस प्रकार से जो पूरे साल चले कंटिन्यूस कंडक्ट हो ऐसा इवोल्यूशन, जो मूल्यांकन जो हमेशा चल दे ना कि रुके, उसे बोलते हैं अपन कंटिन्यूस। और कॉम्प्रेहेंसिव की बात करते हैं भाई, मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स पहलू, मेंटल मानसिक, इमोशनल संवेगात्मक, इमोशनल एंड फिजिकल यानी भौतिक एस्पेक्ट्स यानी पहलू, इन तीनों पहलुओं को जो स्टूडेंट प्रोग्रेस, इन तीनों पहलुओं का प्रोग्रेस हो स्टूडेंट में, इन तीनों पहलुओं को लिया जाए, उसे अपन समग्र कहते हैं, ना कि हम शिक्षा पर ही फोकस करें, हमें मेंटल पर मानसिक रूप से भी फोकस करना चाहिए, इमोशनल रूप से भी और फिजिकल रूप से भी विद्यार्थी के मूल्यांकन में हमें फोकस करना चाहिए। भाई यहाँ तक समझ में आया, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ एक सिंपल भाषा में समझें तो हमेशा चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जो कि व्यक्तित्व है, संपूर्ण व्यक्तित्व में हर चीज़ें आ जाती हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्वाहन करे, यानी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को जो व्यवस्था ले उसे अपन शिशी बोलते हैं। मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था जो पूरे व्यक्तित्व को ले उसे हम शिशी बोलते हैं। भाई यहाँ तक समझ में आया, आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हैं उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य क्या है इन चीज को देखते हैं, इसके सीसी को एवोल्यूशन में शामिल करने के जो उद्देश्य हैं, टू प्रोवाइड स्कोप फॉर सेल्फ एवोल्यूशन आत्म मूल्यांकन, भाई आत्म मूल्यांकन, टू प्रोवाइड स्कोप फॉर सेल्फ एवोल्यूशन, एक ऐसा स्कोप प्रोवाइड करवाना, एक ऐसी प्रक्रिया प्रोवाइड करवाना जो सेल्फ आत्म मूल्यांकन की व्यवस्था से संबंधित हो, सीसी का ये कार्य है। टू हेल्प डेवलपिंग इफेक्टिव स्किल्स, साइकोमोटर स्किल्स, टू हेल्प डेवलपिंग, ये हेल्प करता है डेवलपिंग, विकसित करने में इफेक्टिव स्किल्स का अर्थ क्या है भाई, भावात्मक कौशल और इसका मनोवैज्ञानिक, इधर देख लेते हैं, इसका है भाई भावात्मक कौशल और इसका है मनोवैज्ञानिक कौशल। तो क्या करता है सीसी विकसित करता है विद्यार्थी में क्या विकसित करता है, भावात्मक कौशल को विकसित करता है और मनोवैज्ञानिक कौशल को विकसित करता है। सीसी के बारे में ये थोड़ी बहुत अपने जानकारी आज पढ़ी, सीसी को एक आध क्लास में अपन पूरा कर देंगे। भाई सीसी को अपन ने समझा, सीसी का अर्थ होता है कंटिन्यूस कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन, समग्र एवं सतत मूल्यांकन जो हमेशा चलता रहे और सभी पहलुओं का
मूल्यांकन करें सभी पहलुओं का और हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, सभी पहलुओं का और हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, शाब्दिक अर्थों में हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। भाई यहां तक समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। भाई भाइयों में अपन आप वीडियो को शेयर कीजिए यार, जल्दी से जल्दी, अपन इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं, हैं विस्तार पूर्वक से पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, आप भाइयों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।